गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील चतुर्वेदी, सीनियर लेक्चरर, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा। आज हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके लिए सहायक सिद्ध होती है एक अच्छे एंटरप्रेन्योर, और ये ऑर्गेनाइजेशन एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका नाम है NSIC, शॉर्ट में इसको NSIC बोलते हैं, अर्थात नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। हिंदी में इसे बोलेंगे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। इस निगम की स्थापना फरवरी 1955 में इसकी स्थापना हुई। इसे सरकारी अधिनियम के तहत, या कहें कि इस कंपनी को अधिनियम के तहत सरकारी कंपनी के रूप में सरकार ने इसको स्थापित की, केंद्र सरकार ने इसको स्थापित की। इसका सारा जो खर्चा है, इसको एस्टैब्लिशमेंट का या कहें कि इसके स्टाफ का जितना भी खर्चा आता है वो सारा केंद्र सरकार पर निर्भर करता है, और इसका हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर स्थित है। यह जिसे हम कॉरपोरेशन बोलते हैं, ये एक क्रय पद्धति के आधार पर लघु उद्योग जितने भी होते हैं उनको मशीनरी और उपकरण प्रदान करती है। क्रय पद्धति का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वह किसी भी लघु उद्योग को यदि कोई इक्विपमेंट या बिग मशीनरी की आवश्यकता है तो यह कॉरपोरेशन उसको मशीनरी उपलब्ध तो करा देती है, लेकिन किस्तों में फिर उस इंडस्ट्री से वो वापस पैसा वसूल करती है, यानी कि आपको सुविधाएं देती है लेकिन वापस उसका पैसा वसूल करती है। कभी कभी ये सब्सिडी भी दे देती है, जिससे एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को इंडस्ट्रीज को आगे सर्वाइव करने से फायदा मिलते। यह निगम लघु उद्योग के लिए सरकारी क्रय आदेश प्राप्त, यह निगम है जो जितने भी लघु उद्योग है उसके लिए कोई भी क्रय आदेश गवर्नमेंट चैनल से प्राप्त करता है, और लघु उद्योगों के अंदर जो प्रोडक्शन होता है उनके प्रोडक्शन के, उनके जो उत्पाद होते हैं, वो जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसको एक DG & SG की दर पर उसको पंजीयन करा देता है। अर्थात हमारे यहाँ DG & SG एक ऐसी कहें कि मार्केटिंग की एक कंपनी है, जहाँ पर हम कोई भी प्रोडक्ट वहाँ खरीद सकते हैं, बिल्कुल जांचा परखा हुआ प्रोडक्ट। कॉरपोरेशन है, जितने भी लघु उद्योग द्वारा प्रोडक्ट रहते हैं उसको DG & SG से पंजीयन कर देते हैं, जिससे कोई भी सरकार विभाग या कहें कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो राज्य स्तर का हो चाहे नेशनल स्तर का, बिना झिझक के वो DG & SG से ऑनलाइन खरीदारी कर सकता है। साथ में इस कॉरपोरेशन की सबसे बड़ी खास बात, यहाँ पर कार्य श्रमिकों को प्रशिक्षण भी देता है और अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के निर्माण में सहयोग करता है, यानी अच्छा प्रोडक्शन हो, अच्छी गुणवत्ता जिसमें क्वालिटी कंट्रोल हो तो उसके निर्माण में सहयोग प्रदान करता है। और यह निगम अपने डिपो के माध्यम से, यानी कि इनके खुद के निजी डिपो होते हैं, ये जो लघु उद्योग निगम है इनके हर स्टेट में, या कहें कि हर नेशनल हेडक्वार्टर पर, जैसे दिल्ली में इन्होंने बहुत सारे डिपो बना रखे हैं, उन डिपो में ये जो जितने भी लघु उद्योग खोलते हैं उसके लिए कच्चा माल रखते हैं, कल पुर्जे भी रखते हैं, और कोई भी सामग्री जो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की आपने उद्योग डाल रखा है उसके अकॉर्डिंग अन्य सामान की उपलब्धता भी करता है। लघु उद्योग के लिए आवश्यक मशीनरी का भी ये आयात कर और जो लघु उद्योग है उनको ये सहायता प्रदान करता है। एक नई नीति के तहत लघु उद्योग में उपयोग की जाने वाली जितने भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को एक ब्रांड इमेज, उसका एक करेक्टर देना, ब्रांड देने के बाद, या कहें कि ब्रांड इमेज जब किसी प्रोडक्ट का मिल जाता है तो उसका मार्केटिंग फास्ट और तेजी से आगे बढ़ता है,
और उसके अंदर उसकी पैकेजिंग प्लानिंग से लेकर के डोर टू डोर मार्केट या कहें सप्लाई डीजीएनजी से सप्लाई करना, ये सारा एक जो मार्केटिंग का फील्ड है वो पूरा एक ये इंडस्ट्री जिसे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम है, ये जितनी भी लघु उद्योग द्वारा प्राप्त उत्पादनों को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है और ये बहुत ही उपयोग जितने भी लघु उद्योग है उसके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। थैंक यू वेरी मच।